महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। बुखार तेज है क्या? अवान मुझे देखते ही मेरे पास आए दौड़कर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जिनके पास इन कहानी बनी। अवान नंगू है और देखो सब दिख रहा है। आ चुका हूँ एक नया व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल एग्जाम देने के लिए और मेरे अब्बा अभी निकाल रहे हैं गाड़ी। तो फिलहाल तो अभी मैं लेट हो रहा हूँ जाने के लिए, तो चलते हैं। अभी फिर आके मैं आपसे मिलता हूँ क्योंकि एग्जाम से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। और अबान चले गए स्कूल, उनका चल रहा है एग्जाम। कल से मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, फीवर आ रहा है जा रहा है, काम तो वैसे ही करना पड़ेगा। और आज मेरे यहाँ फिर से गेस्ट आ रहे हैं माशाल्लाह से। आज मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे भी। पहले कपड़े डाल देते हैं मशीन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अवान को स्कूल छोड़कर आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी उनकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि पेपर उनके चल रहे हैं। तो जैसे ही जाते हैं फटाफट वापस भी आ जाते हैं, मुश्किल से 2.5 घंटे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। तो आज बहुत सारी चीजें आपको हम दिखाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे घर मेहमान भी आने वाले हैं और उनको कुछ काम भी, उनको अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। तो अभी शुरुआत हुई है। ये जो LED स्ट्रिप लाए थे अभी रखी हुई है, आज इसको सोच रहे थे लगाने के लिए, बट देखिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, मुश्किल ही है टाइम मिलना है। अभी आ गई हम लोगों की मॉर्निंग टी और सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन एक इसमें अलग चीज है, क्या है वो है ये वाला एग। नगमा पसंद करती है हल्का सा हाफ बॉयल, मतलब बहुत टाइट अंडा उसको नहीं पसंद है। और मेरा अंडा भी छिला नहीं है, मतलब मेरा नहीं मुर्गी का अंडा, मतलब मैं खाने वाला हूँ इसको, तो अभी छीला नहीं क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये। थोड़े से बादाम, बादाम खाइए दिमाग बढ़ा के, एकदम हो गया फ्रेश। और अब जा रहे हैं अवान को लेने के लिए क्योंकि अवान की छुट्टी का टाइम हो गया है। 9:45 उनकी छुट्टी हो जाती क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, अवान ने भी बताया था आपको। तो अभी चलते हैं अवान को लेने के लिए और उधर से चिकन भी मुझे लेके आना है क्योंकि मेहमानों के लिए खाना भी बनेगा, तो चिकन लेके आना है और बहुत सारी चीजें लेके आनी है। तो चलो चलते हैं। और आ गए हैं अवान को स्कूल से लेने के लिए। अबान मुझे देखते ही मेरे पास आए दौड़कर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जिनके पास इन कहानी बनी है, और अबान के साथ बहुत खुश रहते हैं हमेशा। सलाम वालेकुम, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भैया। तो भैया चिकन लेने के लिए आ गए रियाज भाई, चिकन दो जल्दी से यार। जी अभी दे रहे हैं। हाँ तो दो जल्दी से, बैठिए। तो बैठेंगे नहीं आज, अबान के 5 मार्क्स छूट गए, तो ये अबान बहुत अफसोस में है, अफसोस वाली बात ही है। रियाज भाई को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी कुछ और सामान लेना है तो वो भी ले लेते हैं। तो अभी आ गए हम सागर भाई की शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए। कैसे हैं सौरभ भाई? सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताइए। कहाँ है सागर भाई? सागर भाई अभी सो रहे हैं। नहीं आज ट्यूसडे है। अच्छा, दही दे दो यार जरा। क्या कर रहे हो? ओ वन नंगू है। ओ देखो सब दिख रहा है। जल्दी से पहनो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। तो अभी हॉस्पिटल जाने के लिए हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में काम ये है कि जो हमारे साले साहब आ रहे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे साले साहब की फैमिली आने वाली है, तो उनके एक बेटे को दिखाना है। अभी जा रहे हैं इंटीग्रल हॉस्पिटल। अभी जिस हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ, उस हॉस्पिटल की खास बात है तो प्राइवेट वो, लेकिन इलाज उसमें बहुत सस्ता होता है, पर्चा बनता है 10 रुपए का और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। अब चल रहे हैं OPD की तरफ। OPD में हम आ चुके हैं। आज पहली बार मैंने देखा कि इंटीग्रल में इतना ज़्यादा भीड़ है, कभी भी इतना ज़्यादा भीड़ मैंने नहीं देखी। और इधर खेल रहे हैं मुर्तुजा जिनको दिखाना है, और इनके पापा भी इधर खड़े हुए हैं जो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। अभी आ गए हैं डॉक्टर के पास, काउंसलिंग चल रही है मुर्तुजा की। हम लोग आ गए हैं अब घर और हमारे साथ मुर्तुजा आ गया है यहाँ पर। अबान उसका वेट कर रहे थे, दरवाजे पे खड़े थे। क्यों अबान वेट कर रहे थे क्या? ए अबान के ऊपर मक्खी लग रही है। तो अभी आ गए घर और बच गए 1:15। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि 2 घंटे कम से कम लग गए वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो अभी मुर्तुजा हमारे साथ आ गया है, अबान बैठे हुए हैं, उनके
वेलकम के लिए आपने जैसा देखा अभी बाहर वेलकम के लिए खड़े थे पहले से ही। तो अभी थोड़ी देर में फरीन और मुसव्विर मुर्तजा पहले ही मेरे साथ आ गया था, उनके मम्मी पापा बाद में आए, अब वो लोग खाना खा रहे हैं आप जैसा देख सकते हैं इस वीडियो में। तो अभी सब काम हो गया है, सब लोग अभी जा चुके हैं, मुर्तजा भी जा चुके हैं, उसके साथ रह के बहुत मजा आया, खेलने उसके साथ बहुत मजा आया। मगर की नमाज पढ़ लिया है और नगमा की है तबीयत खराब, तो आज रोटी और चावल मुझे बनाना पड़ेगा। सारा दिन सुबह से काम किया और तबीयत भी उसकी सही नहीं थी, लेकिन अब मेहमान आते हैं तो काम तो करना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत हेल्प जो मैंने करा पाई कराई उसकी, लेकिन अभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो अभी लेटी हुई है। तो चलो आपको हम दिखाते हैं, अब आप देख रहे हैं टीवी। कैसी तबीयत है, बुखार तेज है क्या? ठंड लग गई। चलो दवा खाया है, ठीक हो जाओगी। पैर भी ठंडे हैं बता रही हैं बहुत ज्यादा। ठंडे अच्छे खासे। तो नगमा को करने देते हैं आराम और अब चलते हैं किचन में, कोशिश करते हैं रोटी बनाने की। आपने देखा ही था कैसी रोटी मैंने बनाई थी, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, और चावल भी चढ़ा देंगे साथ साथ। तो चलो इसको करते हैं। तो अभी चावल चढ़ाने के लिए हमने लिया है ये भगोना, और इसमें थोड़ा सा चावल है तो इसको पहले निकाल देंगे हम, फिर इसके अंदर ही चावल पका लेंगे इसको साफ करके। तो दोपहर में जो सालन बना था और दाल बनी थी वो अभी हमारे पास रखी हुई है, तो सिर्फ चावल और रोटी बनानी है। एक्चुअली क्या है ना कि रोटी मुझे ज्यादा पसंद है, चावल मैं थोड़ा सा कम खाता हूँ तो इसलिए रोटी प्रेफर करता हूँ। अगर नगमा नहीं बना पाती खुद बना लेता हूँ, या अगर पूजा होती तो पूजा बना लेती है। तो अभी फिलहाल कोशिश करते हैं रोटी बनाने की, फिर से एक बार आपको दिखाएंगे कि गोल बनेगी रोटी की नहीं बनेगी। तो चलो रोटी बनाते हैं। आपको आटा पहले से ही रेडी रखा हुआ था और इसको खाली इसकी लोई बनानी है और इसको बेलना है, सेकना है रोटी। बस पीछे से गाय बोल रही, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, गाय बहुत है अपने मोहल्ले में। तो चलो इसको दिखाते हैं। तो अभी लोई बना रहे, मैं सोच रहा हूँ कि अबान को बुला लेते हैं और थोड़ा सा कैमरा हैंडल कर लेगा तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो रोटी बनाने का पहला प्रोसेस होता है लोई, वो मैं बना रहा हूँ आपके सामने। सारी लोई आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्योंकि कट करके दिखाना होता है, अगर ज्यादा बनाते हुए दिखाते तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो अब चलो इसको बेलते यार। ये भैया 10 मिनट से उठाया हमने, चलाते हैं गैस, रखते हैं तवा गर्म। ये हमारी रोटी हो गई गोल। आज गोल रोटी बेला है मैंने, देखो। तो चलो फटाफट से सारी रोटी बेल लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ये मेरे अब्बा भी रोटी बेल रहे हैं। भगवान कैसी रोटी बेली देखो, बहुत अच्छी बेली, बहुत अच्छी। ये इधर जो है इसको भी तो करना है। साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। कच्ची पक्की रोटी बन गई है, चावल उबल चुका है तो अब इसको पसा लेंगे। चावल को पसा दिया है, उसमें से पानी निकाल दिया है क्योंकि चावल ये बासमती है, और इसको रखेंगे कम धीमे वाली आंच पर। अभी हो गई रोटी वोटी सब तैयार, तो अब थोड़ी सी जो गंदगी मैंने फैलाई किचन के अंदर वो अब साफ करने वाले हैं। तो अब इसको फटाफट साफ कर लेते हैं भैया। आज तो अच्छी बेल गई रोटी भैया, आज बेलन बढ़िया चल गई मेरी, मतलब रोटी के ऊपर। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको, खाना खाते हैं साथ। तो आप चलते हैं, नगमा को उठाते हैं खाने के लिए, खाना भी मैंने लगा दिया है। तो चलो नगमा को उठाते हैं। अम्मा बीमार हैं और तुमको जरा भी वो नहीं है, बस तुम खाना शुरू कर देते हो। खाली खाना लग चुका है, नगमा को उठाते हैं। नगमा है, उठो यार, खाना लगा दिया है, रोटी बना दिया। नहीं, मन कर रहा था खाने का, मन नहीं हो रहा ना खाना खाने का। कोई बात नहीं, थोड़ा तो खा लो ना, कैसे रात में भूख लगी है फिर। मतलब हाथ दो। और नगमा का दिल नहीं मान रहा था तो मैंने कहा लाओ मैं परोस दूं खाना, लेकिन कहने लगे नहीं आप बैठो मैं कर देती हूँ। अबान कैसी रोटी बनी है बताओ जरा भैया।
बढ़िया बनी है, आप भी खाइए रोटी बताइए। तो नगमा पहली बाइट खाने जा रही है। नरम है रोटी आज? बहुत बढ़िया। उस दिन जब तुम दिल्ली से आई थी तो मोटी बनी थी ना रोटी, आज हमने खूब अच्छे से बेला है। रोटी की निशानी दिखाया है आपको, अरे वाह, ये हमने बनाई रोटी, गजब। अरे तुम तो शेफ हो गए यार जुनैद। ये रोटी की निशानी होती है। हाँ। अच्छी रोटी की, जब दिल्ली से आए थे बहुत बकवास रोटी बनी थी। ओ, तब इतनी मेहनत से बनाया, तुमने हमारा दिल तोड़ दिया है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत मोटी मोटी थी आज रोटी। आपने दिल मेरा तोड़ दिया तूने, बुरा मान गए हम। ये अंग्रेजों ने साला सॉरी बना के बहुत खराब काम किया। आज का जो सारे दिन का काम था, रूटीन था, हम सब ने आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। जितने भी लोग नए लोग हमको देखते हैं, हमारे फैमिली को देखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।